दक्षिण अफ्रीका की जीत के बावजूद हेनरिक क्लासेन ने उठाया बड़ा सवाल। टी20 वर्ल्ड कप 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने शानदार जीत हासिल की। टीम ने रोमांचक तरीके से बांग्लादेश को 4 रन से हराया। हालांकि इस जीत के बावजूद टीम के दिग्गज बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन ने पिच को लेकर बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि क्रिकेट के लिहाज से तो ठीक है, लेकिन अगर आपको किसी देश में क्रिकेट को बढ़ावा देना है तो फिर उस लिहाज से यह पिच सही नहीं है। टी20 वर्ल्ड कप के 21वें मैच में दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला बांग्लादेश से हुआ। न्यूयॉर्क के नासाउ इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए इस मैच में प्रोटियास टीम ने आखिरी गेंद पर 4 रन से रोमांचक जीत हासिल की। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 113 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेशी टीम 109 रन ही बना पाई। न्यूयॉर्क की पिच पर पहली बार इतना कम स्कोर वाला मुकाबला नहीं हुआ है। इससे पहले भारत और पाकिस्तान के बीच भी काफी कम रन बने थे। मैच के बाद हेनरिक क्लासेन से जब इस पिच के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि क्रिकेट प्रेमियों के लिहाज से तो अच्छी क्रिकेट देखने को मिली है, हालांकि अगर आप पूरी दुनिया को इसे दिखाना और बेचना चाहते हैं तो फिर उस लिहाज से यह सही नहीं है। क्रिकेट के नजरिए से यह एक तगड़ा मुकाबला था। इससे कमजोर और मजबूत टीमों के बीच का अंतर कम हो जाता है, इसलिए खेल पूरी तरह से ओपन हो जाता है। जो भी टीम क्रिकेट के बेसिक के हिसाब से खेलेगी वह आगे जाएगी। कोई भी टीम किसी को भी हरा सकती है और काफी रोमांचक मुकाबले हो रहे हैं। आपको बता दें कि इस जीत के साथ ही दक्षिण अफ्रीका की टीम ने सुपर 8 के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। प्रोटियाज टीम सुपर 8 में जाने वाली पहली टीम बनी है।